अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी गलौटी कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये बन करके तैयार होते हैं और इस कबाब की खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने 500 ग्राम लिया है मटन का कीमा, इसमें हमने 85% रूखा कीमा और 15% चर्बी डलवाया था और इसे जो है हमने ग्राइंडर में डाल के फाइन इसे हमने पीस लिया। और इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून भुने हुए बेसन को और 3 टेबल स्पून डाल देंगे कच्चे पपीते के पेस्ट को। पपीते के पेस्ट को जो है हमें छिलके के साथ ही पीसना है और ये गलौटी कबाब का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये गलाने का काम करता है। और 1 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 टेबल स्पून डाल देंगे तली हुई प्याज और काजू का पेस्ट और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें शाहजीरा और कबाब चीनी का पाउडर और 1/3 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे जायफल जावेत्री का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही डाल देंगे दालचीनी और लौंग का पाउडर और 1/3 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास रोज़ वाटर हो तो वो भी डाल दीजिएगा और इसे जो है हम मिक्स कर लेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल। अगर आपने फैट नहीं लिया है तो ज़्यादा तेल डालिएगा और अगर लिया है तो फिर 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा और इसे जो है अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे जो है मिक्स कर लिया है और अब जो है हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसको 2 से 3 घंटा भी रख सकते हैं। तो 1 घंटा हो गया है और ये बिल्कुल अब सेट हो गया है। तो अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोयला ले लिया है, एक लौंग और एक छोटी इलायची डाल देंगे। ऊपर से डाल देंगे बटर, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। ढक करके इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे हम और 20 मिनट बाद अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम निकाल लेंगे और अब जो है हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले हाथों में ऑयल को ग्रीस कर लें और जितना बड़ा आपको कबाब बनाना है उस हिसाब से आप ले लें और इसे इस तरह से कबाब बनाना हम शुरू करते हैं। इस तरह से हम इसको कबाब का शेप देंगे। तो बस ये रेडी है, इसी तरह से हम सारा तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे गलौटी कबाब तैयार कर लिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने पैन में ऑयल डाल दिया था और अभी जो है ऑयल गर्म है तो इसमें हम जो है कबाब को डाल देंगे और इसे जो है हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। एक साइड से जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तो फिर हम इसे पलट देंगे। तो अब ये एक साइड से गोल्डन कलर का हो गया है और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। तो ये एक साइड से हो गया है तो बस अब हम इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन कलर का कर लेंगे। तो अब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो गया है, दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो फ्लेम को कर देंगे ऑफ, इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।